पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव 108 श्री सुदा सागर जी महाराज की हरि पर्वत क्षेत्र के शांति सागर सभागार में धर्म सभा चल रही है। सोमवार को धर्म सभा में गुरुवर महाराज ने प्रवचनों के माध्यम से भक्तजनों को नमोकार मंत्र की महिमा का महत्व समझाया। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुदा सागर जी महाराज की हरि पर्वत क्षेत्र के शांति सागर सभागार में धर्म सभा चल रही है। सोमवार को धर्म सभा में गुरुवर महाराज ने प्रवचनों के माध्यम से भक्तजनों को नमोकार मंत्र की महिमा का मर्म समझाते हुए कहा कि इस मंत्र के जाप से भक्त की हर परेशानी और व्याधा दूर हो जाती है। ये बहू हमसे इतना लड़ती थी, खाने नहीं दे, चाय बहुत लड़ती थी, जब देखो जब इतने दुख दिए इसने। एक दिन ये पिक्चर देख रही थी, भूतों वाली पिक्चर, तो ये डर गई बहुत, और माँ माँ भूत भूत भूत, तो मैंने समझ लिया कि ये भूत से डरती है। बस 2-3 महीने बाद पर जो मैंने नाटक किया, जब भी ये मुझे रोटी नहीं दे, जब भी मुझे लड़े कुछ करे, बस मुझे भराते और ये शाम माँ जी पैर पड़ने लगे। जब से महाराज हमें अच्छी तरह चाय पानी मिल रहा है, यथार्थ करना बिल्कुल सामने जो उसने कहे वो चाय पानी मिल रहा है। सुबह शाम मेरी बहू पैर धोकर सुबह उठती है तो मेरे पैर छूती है, शाम को पैर छूने के बाद सोती है, हम सो जाते तब सो जाते हैं, पैर दबाती है, क्योंकि उसे मालूम थोड़े ही समय ने गड़बड़ किया हो माँ जी को। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मैंने कि तुझे शर्म नहीं आई, सारा घर बर्बाद हो गया। गुरुवर की धर्म सभा में प्रवचन का श्रवण कर धर्म लाभ ले रहे पंकज जैन ने कहा कि गुरुवर प्रतिदिन भक्त जनों को जीवन की नई राह दिखा रहे हैं। इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें किस प्रकार से हमें अपने जैन समाज में आगरा में जैसे हिंदुस्तान की स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, बाहर की वस्तुओं का ना प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हमारे भारत देश में भी काफ़ी कुछ है, सभी बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था है और कॉलेजेस भी हैं और नौकरी की भी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम लोग विदेश में प्रेफर करते हैं सभी बड़े लोग अपने बच्चों को भेजना, वो नहीं होना चाहिए। अपन लोग विदेश में ना भेजकर अपने भारत देश में ही उसको कार्य को करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। गुरुवर की धर्म सभा में कानपुर से गुरुवर को श्रीफल अर्पण करने आए भक्त रितेंद्र कुमार जैन ने कहा कि कानपुर में गुरुवर की प्रेरणा से एक नया जिनालय तैयार हुआ है। हम सभी भक्तों ने गुरुवर को श्रीफल अर्पण कर उनसे एक भव्य जिनालय के पंच कल्याणक में आने का अनुरोध किया है। प्रवचन सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है और है ना, हम तो मोस्टली यहाँ आते रहते हैं प्रवचन सुनने भी और शंका समाधान सुनने भी, और प्रवचन अच्छे लग रहे हैं आज जी। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रवचन सुनकर, और मैंने पहली बार गुरुजी के दर्शन करे हैं, साक्षात दर्शन मिले हैं मुझे, मुझे बहुत ही आनंद आया प्रवचन में और गुरुजी के दर्शन करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जितने भी यहाँ फिरोजाबाद से आए हैं, मैं फिरोजाबाद से आई हूँ, सभी को गुरु के दर्शन करके और प्रवचन सुन के बहुत ही आनंद आया और मेरा मन बहुत ही गदगद हो गया है गुरु के दर्शन करके, और मैं चाहूँगी कि जल्दी जल्दी बार बार यहाँ दर्शन करने आऊँ जी। प्रवचन बहुत अच्छे लगे महाराज जी का, हमें आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छे प्रवचन दिए महाराज जी ने हमें, उससे हमें शिक्षा मिली महाराज जी के प्रवचन से, बस मन बहुत अच्छा हो गया महाराज जी के प्रवचन सुन के। गुरुवर ने धर्म सभा में भक्त जनों से घरों में प्रभु अभिषेक की धोती दुपट्टा अलग रखने का आह्वान करते हुए कहा कि जिस घर में यह पवित्र धोती दुपट्टा होते हैं, उस घर से रोग व्याधा हमेशा दूर रहते हैं। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।